फ्रेंड्स, मौसम बदलने लग गया है और कुछ दिनों में सर्दियां आ जाएंगी। तो सर्दियां आने से पहले हम लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट गार्डनिंग वर्क होते हैं जो अपने प्लांट पे कर लेने चाहिए, जो कि आजकल मैं भी कर रही हूँ, तो उसी के ऊपर है आज का वीडियो। तो मैं आपको कुछ 6 इम्पॉर्टेंट गार्डनिंग वर्क बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आप चाहते हो कि आपके पौधे भी हरे भरे और हेल्दी से बने रहें। तो बिल्कुल आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर है। मैं आपको कुछ 6 गार्डनिंग वर्क्स बताने वाली हूँ जो कि मैं कर रही हूँ और आप लोगों को भी वो काम कर लेने चाहिए। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट गार्डनिंग वर्क जो कि मैं भी आजकल कर रही हूँ वो ये है कि आपको सभी प्लांट को, अपने परमानेंट जो भी प्लांट्स हैं उन सभी को इस टाइम आपको फर्टिलाइज़ कर देना चाहिए। और कोई भी स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र जिससे आपके प्लांट में जो माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, बारिश क्योंकि होके निकली है और बारिश का पानी अच्छा तो होता है बट बहुत सारे जो खाद होती जो हम डालते हैं प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए वो भी अपने साथ में जो है लेके चला जाता है, ड्रेन आउट हो जाता है बारिश के पानी के साथ। तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारे परमानेंट प्लांट्स हैं उनके डोरमेंसी में जाने से पहले हम उन सभी प्लांट्स को अपने अच्छे से फर्टिलाइज़ कर दें। तो ये तो हो गया पहला गार्डनिंग वर्क। सेकेंड गार्डनिंग वर्क है क्योंकि बारिश के बाद बहुत सारे कीट पतंगे भी हमारे पौधों पे अटैक कर देते हैं। जैसे मैंने ये कुछ टाइम पहले ही आप लोगों के साथ शेयर भी किया था शॉपिंग वाली वीडियो में कि गुलड़ का पौधा मैं लेके आई थी और इसमें थोड़ा बहुत मुझे एफिड्स का अटैक दिख रहा था। और जब मैं इसे लेके आई थी तो नर्सरी में से इसमें थोड़ा थोड़ा सा जो है हल्का हल्का अटैक था, तो अभी मुझे लगा कि थोड़ा बढ़ रहा है तो मैंने इसे भी और भी मैं बहुत सारे जो प्लांट्स हैं जहाँ पे भी मुझे थोड़ा बहुत भी पेस्ट का अटैक लगा। अब पेस्ट का अटैक बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एफिड्स ही हों, स्पाइडर माइट, मिली बग्स बहुत सारे होते हैं। तो बारिश के बाद बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें दिखती हैं, तो बहुत सही समय चल रहा है कि हमें प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए और उन्हें पेस्ट के अटैक से बचाने के लिए पेस्टिसाइड का स्प्रे कर लेना चाहिए। और आज मैं ये फर्स्ट टाइम इसे यूज़ भी कर रही हूँ तो मैंने सोचा आप लोग को दिखा भी दूँ, ये नई वाली जो स्प्रे बॉटल मैंने खरीदी थी। तो इससे मेरा काम बड़ा आसान हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि जो गमले दूर दूर रखे हुए हैं उनको मतलब स्टैंड पे मैं आपको दिखाया भी था कि जो है जब मैंने संडे गार्डनिंग वर्क वाली वीडियो शेयर की थी कि जो है ये काफ़ी कई टीयर्स में हैं ये सारे गमले, तो ऊपर वाले पौधों तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता था मेरे लिए जब मैं वो छोटी वाली स्प्रे बॉटल से करती थी। अब ये बड़ी वाली स्प्रे बॉटल है तो इसमें काफ़ी अच्छा प्रेशर भी है और ये दूर तक पहुंच भी जाती है। फिर थर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट गार्डनिंग वर्क ये है फ्रेंड कि इस टाइम आपको अपने सभी पौधों की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी चाहिए और ताकि जो रूट सिस्टम है उसमें अच्छे से एयर सर्कुलेशन बन सके और जो भी अनवांटेड वीड्स वगैरह निकल आती हैं, घास फूस निकल आती है उसका हटाना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम लोग प्लांट को फर्टिलाइज़र देते हैं और जो है जो ये घास फूस निकले होते हैं वो सारा है जो भी न्यूट्रिशन होता है उसे सक कर लेते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो भी अनवांटेड वीड्स वगैरह निकल आएँ उनको भी हटा दें। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ये भी होता है और एयर सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो रूट्स आपकी जो है प्लांट की अच्छे से ग्रो कर पाएंगी। और पानी भी जो होता है ना जो टॉप पे हो जाता है अक्सर आप देखते होंगे कि पानी जमा रह जाता है, वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट गार्डनिंग वर्क है पिंचिंग प्रूनिंग। प्रूनिंग मैं ऑलरेडी बहुत सारे अपने प्लांट की कर चुकी हूँ, जो भी मेरे पुराने प्लांट थे परमानेंट प्लांट्स जो कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो गए थे बारिश के बाद, उन सभी की मैंने प्रूनिंग कर दी है। फिलहाल मैं डेड हेडिंग कर रही हूँ बट अगर आप लोगों ने प्रूनिंग नहीं कर रखी है तो बिल्कुल इस टाइम आपको प्रूनिंग कर लेना चाहिए। और क्योंकि जो है नवंबर में जब जैसे लास्ट में जब ठंड ज़्यादा बढ़ जाएगी प्लांट डोरमेंसी में जाने लगेंगे तो उस टाइम आप प्रूनिंग नहीं कर पाओगे, तो बिल्कुल इस टाइम आपको प्रूनिंग कर लेनी चाहिए। डेड हेडिंग भी बहुत ज़रूरी होती है ताकि प्लांट में अच्छे से ग्रोथ हो पाए, नई नई ब्रांचेस निकल पाएँ और नए नए जो है जितनी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी उतने ज़्यादा जो है फ्लावर्स आपके प्लांट में आएंगे, नई नई ग्रोथ आती है। और जैसे ही आप पेंटास देख रहे हो मैं इसकी पिंचिंग कर रही हूँ और जो भी ख़राब सी पत्तियाँ हो गई हैं उन्हें भी हटा देते हैं तो ताकि प्लांट अपनी एनर्जी रेस्टोर कर सके और खूब अच्छे से फ्लावरिंग कर सके।
तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप प्लांट को इस तरीके से पिंचिंग प्रूनिंग कर लें। और आप देख सकते हो कि अब ये प्लांट कितना अच्छा सा लगने लगा है, साफ़ सुथरा भी हो गया है। और इसमें जो है पिंचिंग मैं करती रहती हूँ हमेशा, उसकी वजह से आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे नंबर्स में इसमें जो है हर टिप पे इसके जो है बर्ड्स भी आ रही हैं और मेरे हमेशा पेंटास फ्लावरिंग करते रहते हैं। और अगला जो बहुत इम्पॉर्टेंट गार्डनिंग वर्क है फ्रेंड्स, वो है फंजीसाइड। कोई भी फंजीसाइड अच्छी क्वालिटी का, कॉन्टैक्ट सिस्टमैटिक फंजीसाइड, मैं इफ्को का हमेशा यूज़ करती हूँ तो मैं वो दिखा रही हूँ आपको। आप कोई भी ले सकते हो अच्छी क्वालिटी का सिस्टमैटिक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड, साफ बेवस्टीन, जो भी आपको अच्छा मिल पाए लोकल एग्रीकल्चर शॉप में, या आप ऑनलाइन ले सकते हो। बट आप सॉइल में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि जो भी बारिश के बाद अक्सर फंगल अटैक भी हो जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ज़रूर। नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट गार्डनिंग वर्क आता है सॉइल ट्रीटमेंट, क्योंकि अब गर्मी के जो पौधे थे उन्हें तो हम लोग आजकल सभी लोग हटा रहे हैं, तो वो जो गमलों में पुरानी मिट्टी हो गई है उसे रिचार्ज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब गमले की पुरानी मिट्टी को फेंकते तो नहीं है, बट उसको रिचार्ज करने के लिए अच्छे अमाउंट में मैंने यहाँ पर मिला लिया है काउडंग कॉम्पोस्ट, और ये अच्छे से डिकम्पोज हुई काउडंग मैन्योर है। और क्योंकि विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स को अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता फ्लावरिंग के लिए, और साथ ही साथ मीडिया सॉफ्ट भी होना चाहिए, तो इसलिए मैंने सैंड भी मिला लिया है और साथ में मैंने फंजीसाइड मिला लिया है जो कि मैंने आपको अभी दिखाया। तो कोई भी अच्छी क्वालिटी का सिस्टमैटिक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड आप इस तरीके से सॉइल में ऐड कर लें, और साथ में नीम की खली, बोन मिल, जो भी आपके पास हो वो भी सारी चीज़ें आप ऐड करके, और जो भी सॉइल है सॉइल मिक्स, उसको धूप में 2 से 3 दिन रख दें, ताकि इसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह भी हो, थोड़े बहुत जो भी फंगल अटैक होने के चांस हो वो ख़त्म हो जाएं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ किसी और नए टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स, हैप्पी गार्डनिंग।